हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुजुता राजगुरु, गायनेकोलॉजिस्ट, अकोट डिस्ट्रिक्ट, अकोला, महाराष्ट्र से। आज हम बात करने वाले हैं, अगर आपका कॉपर टी बिठवाई है या फिर आप कॉपर टी बिठवाने वाली हो बट आपको ये डर है कि कॉपर टी का धागा अगर निकल जाता है तो ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए, राइट? सो ईच एंड एवरीथिंग कॉपर टी के बारे में ये कॉपर टी की सीरीज़ में मैंने एक्सप्लेन की है। आपको अगर हर सवाल का जवाब चाहिए तो ये सीरीज़ को आपको पूरी तरीके से देखना चाहिए, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है या फिर आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हो। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो कंडीशंस में कॉपर टी का धागा नहीं दिखाई देता है कौन कौन सी कंडीशंस है, या फिर आपको कौन कौन से इन्वेस्टिगेशंस करना चाहिए अगर धागा नहीं दिखाई देता है, आपके डॉक्टर आपको कौन से इन्वेस्टिगेशंस एडवाइस करेंगे, और अगर कॉपर टी का धागा नहीं दिखाई देता और आपको कॉपर टी निकलवानी है तो किस तरीके से ये कॉपर टी हम निकलवा सकते हैं, राइट? सो ईच एंड एवरीथिंग आज के वीडियो में आपको मैं कॉपर टी के धागे से रिलेटेड बताने वाली हूँ। सो जब भी आप डॉक्टर के पास कॉपर टी चेक करने जाते हो और आपको धागा नहीं दिखाई देता है तो आपको पैनिक नहीं होना है। सो सबसे पहले मैं आपको जो रीजन बताने वाली हूँ कॉपर टी का धागा नहीं दिखने के लिए, वो है कि शायद कॉपर टी का धागा कॉइल हो चुका है और गर्भाशय में ही है, ऊपर की तरफ चला गया है, या फिर वो धागा निकल चुका है, वहाँ से कॉपर टी से ब्रेक होके वो शायद निकल चुका है, आपको पता भी नहीं चला है, या फिर कॉपर टी का डिवाइस मतलब कॉपर टी ही निकल चुकी है ये भी आपके ख्याल में नहीं आया। बहुत से बार ऐसे भी होता है, आप टॉयलेट के लिए गए हो और शायद टॉयलेट से आने के बाद आपने फ्लश किया है और शायद वो कॉपर टी उसमें चली गई है, ये भी रेयर चांसेस होते हैं, या फिर कॉपर टी गर्भाशय से बाहर निकल चुकी है यानी कि यूट्राइन परवर्शन होके पेट में चली गई है, ये भी रेयर चांसेस है, आपको इससे डरना नहीं है, राइट? देन फिफ्थ चीज इज कि कॉपर टी है, जगह पर ही है, उसके साथ में प्रेगनेंसी भी रह चुकी है जिसकी वजह से यूट्रस का साइज बढ़ चुका है और कॉपर टी का थ्रेड अंदर चला गया है, राइट? इसलिए आपको बाहर से नहीं दिखाई दे रहा है। बट इन सब रीजंस में से ये मैंने रीजंस आपको बताए हैं, बट बाकी तीन रीजंस से आपको डरना नहीं है। बट जो मोस्ट कॉमन रीजन होता है कॉपर टी का धागा नहीं दिखाई दे रहा है उसका होता है कि कॉपर टी का धागा कॉपर टी जगह पर ही है और धागा निकल चुका है। सो ये कैसे कंफर्म किया जाए कॉपर टी जगह पे है या नहीं ये, राइट? सो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन इज अल्ट्रासोनोग्राफी। मोस्ट कॉमनली आपको सोनोग्राफी एडवाइस की जाएंगी, उस पर आपको पता चल जाएगा कि कॉपर टी जगह पे है या नहीं। सेकेंड थिंग इज हिस्टेरोस्कोप, एक दूरबीन होती है जिससे हम गर्भाशय की जांच करते हैं। ये एक्सपेंसिव होती है, इतनी सस्ती नहीं होती है, सो हर क्लिनिक या रूरल एरियाज में ये अवेलेबल नहीं होती है, राइट? सो मोस्ट कॉमन सोनोग्राफी की जाती है। थर्ड थिंग इज यूट्राइन साउंड, यानी कि एक मेटल इंस्ट्रूमेंट होता है गर्भाशय में डाला जाता है और चेक किया जाता है कि मेटल इंस्ट्रूमेंट के साथ कॉपर टी लग रही है या नहीं, राइट? फोर्थ थिंग इज कि अगर सोनोग्राफी पे भी डाउट है तो आपके डॉक्टर आपको एक्सरेज एडवाइस करते हैं, राइट? और ये एक्सरे जनरली जो यूट्राइन साउंड, ये जो मेटल इंस्ट्रूमेंट होता है गर्भाशय में सर्विक्स में से डाल के फिर एक्सरेज लिए जाते हैं, यानी कि कोई भी मेटल की चीज़ जो होती है वो रेडियो ओपेक होती है। रेडियो ओपेक मतलब ये आसानी से आपको एक्सरेज पे दिखाई देती है। सो जब हम मेटल साउंड गर्भाशय में डालते हैं तो ये तो क्लियर है, जहाँ पे मेटल साउंड है वहाँ पे गर्भाशय है, राइट? सॉफ्ट टिश्यूज इतना आसानी से एक्सरेज पे नहीं दिखाई देते। सो गर्भाशय कहाँ है, सो मेटल साउंड डाल के ये क्लियर हो जाता है एक्सरे पे कि यहाँ पे गर्भाशय है, और अगर उसके बाजू में कॉपर टी है तो जगह पे है, उसके बहुत दूर है तो ये ख्याल में आ जाता है, तो शायद एक्सरे पे ये पता चल जाता है कि शायद कॉपर टी पेट में चली गई है अगर वो मेटल साउंड के पास नहीं है तो। सो एक बार ये क्लियर हो जाने के बाद कि कॉपर टी अगर जगह पे है, जो मोस्ट यानी बहुत से बार वो यूट्रस में ही होती है, बस धागा निकल जाता है, तो अगर आपको ये कॉपर टी निकालनी है, आपको नेक्स्ट बच्चा चाहिए है, या फिर एक बात मैं क्लियर कर दूँ, सिर्फ आपको डर लग रहा है धागा निकल जाए और फिर कॉपर टी कहीं अगर वो सही जगह पे है तो वो आसानी से पेट में नहीं चली जाएगी, राइट? सो ये डर के आपको कॉपर टी निकलवाने के लिए नहीं जाना है कि धागा नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं निकाल लेती हूँ। अगर कॉपर टी सोनोग्राफी या एक्सरे पे सही जगह पे है तो उसको निकालने की गड़बड़ी ना करें। जब भी आपको निकालने का है तो एक डॉक्टर के पास स्पेशली डिजाइन ब्लंट हुक होता है, उससे आपके डॉक्टर निकाल सकते हैं, या फिर आर्टरी फोर्सेप्स से वो निकाली जाती है, या फिर एक यूट्राइन क्यूरेट होता है, राइट? जब भी प्रेगनेंसी आपके हम अबॉर्ट करते हैं तो एक क्यूरेटाज किया जाता है, उस इंस्ट्रूमेंट से भी कॉपर टी को निकाला जाता है। बट ये तीनों प्रोसीजर्स ब्लाइंड प्रोसीजर्स है। ब्लाइंड प्रोसीजर मतलब गर्भाशय है, ये गर्भाशय का मुंह है, इसमें से सिर्फ आपको गर्भाशय कॉपर टी बाहर से दिखाई नहीं दे रही है, योनि मार्ग से सिर्फ गर्भाशय का मुंह है और उसमें से ये सब चीजें की जा रही है, बट ये एक्सपर्ट हैंड से ही करना है। नो डाउट जो भी डॉक्टर ये अटेंड करते हैं वो बहुत ही सेफली और बहुत ही धीरे धीरे ये इस प्रोसीजर की जाती है, और जहाँ पे भी उनको लगता है कि इस प्रोसीजर से ये कॉपर टी नहीं निकाली जा सकती है तो वो आपको शायद हिस्टेरोस्कोपी एडवाइस करते हैं, और हिस्टेरोस्कोपी से डायरेक्टली ही हिस्टेरोस्कोप से देख के
कॉपर्टी निकाली जा सकती है, राइट। फिर अगर कॉपर्टी पेट में चली जाती है तो लैप्रोस्कोपी या फिर लैप्रोटॉमी। लैप्रोस्कोपी मतलब पेट पे से दूरबीन डाली जाती है आपके पेट के अंदर और फिर कॉपर्टी निकाली जाती है। लैप्रोटॉमी मतलब ओपन प्रोसीजर, मतलब कि जैसे कि सीजरियन सेक्शन के वक्त आपका पेट ओपन किया जाता है वैसे ही ये ओपन करके फिर कॉपर्टी निकाल ली जाती है। फिर बहुत से बार पेशेंट्स ये भी कहते हैं, मैम इतनी सारी दिक्कतें अगर हुए तो फिर कॉपर्टी क्यों बिठवाना है, रिस्क कहाँ नहीं है। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता है, बहुत से कपल्स मेल कॉन्डम या फीमेल कॉन्डम नहीं यूज़ करते हैं, गर्भनिरोधक गोलियां नहीं लेते हैं, सेफ पीरियड अनसेफ पीरियड के बारे में उन्हें पता नहीं होता है और बस कॉपर्टी नहीं बिठवानी है ये एजेंडा लेके चलते हैं। रिस्क हर जगह पे है। आप डॉक्टर से पूछिए ना कि मैम कितना रिस्क है, बिल्कुल रिस्क नहीं है। अगर आप सेफ हैंड्स में सही तरीके से सोनोग्राफी करके कॉपर्टी बिठवाते हो तो कोई चांस नहीं है आपके परफोरेशन का, आपके गर्भाशय में अगर गांठे नहीं है कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है तो इजीली बैठ जाएगी। तो ये रिस्क तो आपको लेना ही है। बहुत से बार कपल्स ये नहीं करना वो नहीं करना, इसमें प्रॉब्लम है उसमें प्रॉब्लम है, ये झंझट में ये सोच में कुछ भी साधन इस्तेमाल नहीं करते और रिपीटेड अबॉर्शंस करते रहते हैं, रिपीटेड प्रेगनेंसी गिराने के लिए एमटीपी पिल्स लेते हैं या फिर रिपीटेड क्यूरेटाज करते हैं, राइट। सो ये चीज़ प्लीज़ आप मत कीजिए, आपके डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। फ्रेंड्स और रिलेटिव्स का सुनने के पहले आपके आपको डॉक्टर को सुनना है और उसके अकॉर्डिंगली आपको कॉपर्टी बिठवानी है या नहीं बिठवानी है ये डिसीजन लेना है। सो आई होप दिस इन्फॉर्मेशन वॉज यूजफुल टू यू। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो आपके फ्रेंड्स में इसे ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।